मैं गीता पटवाल फिर उपस्थित हूँ एक मजेदार विषय पर आपके साथ। वो है आपका मनपसंद फल। आजकल तो आप जानते ही हैं गर्मियों का मौसम है, और इस मौसम में कौन सा फल ऐसा मिलता है आपको जो सबको खाना बहुत पसंद हो? सही कहा, वो है आम। सच कहूं मुझे भी आम बहुत पसंद है। आम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। काश यह फल पूरे साल भर मिलता तो खूब मजा आता ना। चलो अब जरा पाठ पर आए। यह कोई बोरिंग या बोझिल सा पाठ नहीं है, अपितु एक मजेदार चित्रकथा है जिसे आप सभी को चित्र से समझना है। तो देखिए जरा पहला चित्र। पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चित्रकथा क्या होती है। आपसे जानना चाहूंगी मैं ये बात। चलिए मैं बताती हूँ। चित्रकथा एक ऐसी कला है जो चित्रों के माध्यम से पूरी कहानी को व्यक्त करती है। आइए तो देखें और समझिए यह चित्रकथा। चलिए जल्दी से अपना पार्ट दो खोलिए चित्रकथा। पहले चित्र में देखिए क्या हो रहा है। पहले चित्र में ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चित्रकथा की एक खास बात बताती हूँ। चित्रकथा का आपको एक लाभ बताती हूँ कि एक तो आप इसमें निहित पात्रों अर्थात जो जो आपको चरित्र लड़का लड़की दिख रहे हैं आप उन्हें अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। और यह चित्रकथा जहाँ आपको आनंद देगी वही आपकी कल्पनाशीलता रचनात्मकता व सोचने की शक्ति का भी विकास करेगी। चलिए जरा पहले चित्र को देखें। इसमें एक लड़की है जिससे हम रमा नाम दे देते हैं, ठीक है, कैसा लगा ना? और एक कौवा दिखाई दे रहा है और एक पेड़ पर आम लटका हुआ है जिसे रमा और कौवा दोनों निहार रहे हैं, देखा। चलिए अब जरा दूसरे चित्र पर आइए। फिर जरा दूसरे चित्र पर आते हैं। इसमें रमा का आम खाने का मन कर रहा है और उसे तोड़ने पर वह विचार कर रही है। चलिए अब तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र में वह अपने भाई राजा को गुलेल के साथ आम तोड़ने के लिए ले आई। और फिर चौथे चित्र में क्या हुआ? चौथे चित्र में राजा ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया और एक कौवे ने भी आम पर अपनी नजर दौड़ाई। पांचवे चित्र में जरा देखिए। तो पांचवे चित्र में कौवे ने लगाई उड़ान। छठे चित्र में लपका आम। सातवें चित्र में कौवा गया मधुमक्खी के छत्ते से टकरा। और आठवें चित्र में पेड़ पर बने घोंसले में आम जा गिरा। अब आई नौवे चित्र की बारी जिसमें बैठी थी गिलहरी सयानी। दसवें चित्र में बताओ बच्चों फिर क्या हुआ? सुनकर चूजों की आवाज बेचारी गिलहरी के मुंह से आम छूट गया। ग्यारहवें चित्र में आम एक सोए आदमी की पगड़ी पर जाने को था तैयार। और बारहवें चित्र में तो देखिए, बारहवें चित्र में जा गिरा पगड़ी पर यार। तेरहवें चित्र में रमा राजा ने देखा सारा और हो गए आम लेने को बेकरार। चौदहवें चित्र में रमा के हाथ लग गया आम। पंद्रहवें चित्र में राजा भी हुआ खूब खुश। आखिर इसके गुलेल का था ये कमाल। तो आए सारे चित्र समझ में? तो चलिए अब हम इन सारे चित्रों को अपने मस्तिष्क में क्रम से लगाते हुए कहानी बनाएंगे। यह आम की कहानी, तो करें शुरुआत। ध्यान देना बच्चों मेरे साथ। तो चलिए अब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। आते हैं कहानी पर। एक दिन एक लड़की रमा ने आम के पेड़ पर पका फल देखा और इसकी इच्छा उसे खाने की हुई। उसने अपने भाई को बुलाया
और अपने राजा भैया को आम तोड़ने के लिए कहा। वह अपनी गुलेल से आम तोड़ने का प्रयास करने लगा। तभी पेड़ की डाल पर बैठा कौवा भी आम खाने की सोच रहा था। जैसे ही राजा ने आम को निशाना बनाते हुए गुलेल से पत्थर मारा, वह टूटा हुआ आम कौवा लेकर फुर्र से उड़ गया, लेकिन वह पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गईं और आम उसके मुंह से भी छूट गया। यह जो आम पेड़ की टहनी पर बने घोंसले में जा गिरा और पक्षी के अंडे फूट गए। अब वहां एक गिलहरी भी थी। गिलहरी ने जैसे ही आम उठाया, अंडों से निकले चूजे शोर मचाने लगे और उनका शोर सुनकर आम फिर गिलहरी के मुंह से भी छूट गया और पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति की पगड़ी पर जा गिरा। वह व्यक्ति सो रहा था। तभी रमा ने उसकी पगड़ी से झट से आम उठा लिया और रमा आम पाकर बहुत खुश हुई। राजा भी अपनी गुलेल के निशाने से बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर मजे से आम का स्वाद चखा और उसे खाकर उन्हें बड़ा आनंद आया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? समझ में आई सबको कहानी? चलिए देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिली। सोचिए जरा। हाँ बिल्कुल सही, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होता है, भले ही देर से प्राप्त हो किंतु होता अवश्य है। तो देखा ऐसा ही कुछ हुआ ना इस कहानी में। उस आम को गुलेल चलाकर तोड़ने की मेहनत तो की राजा ने और घूम फिर कर ही सही, लेकिन अंत में मिला भी रमा और राजा को। तो देखा बच्चों आपने, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। और आप भी मुझसे अब वादा कीजिए कि आप सब भी खूब मेहनत करेंगे और जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। तो चलिए अब जरा इसका अभ्यास कार्य देखें। तो आइए जरा पृष्ठ संख्या 22 पर खोल लिया। चलिए सबसे पहले आपको जो मैंने कहानी सुनाई और जो चित्र आपने देखे उनके आधार पर आपको क्रम बताने हैं कि कहानी में पहले क्या आया, अर्थात क्या क्या कहा कहानी में एक के बाद एक पात्र शामिल होते गए। आया समझ में? तो चलिए फटाफट लिख दीजिए। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। अब है अगला कि कहानी में कौन सी चीज कहां पर थी, जैसे गुलेल कहां पर थी, राजा के हाथ में या उस लड़के के हाथ में, है ना? तो इसी प्रकार आपको अन्य भी लिखने हैं, बस केवल इतना ही करना है आज आपको, ठीक है? चलिए अब आप सब इसी तरह की एक और चित्रकथा का अभ्यास घर से कीजिएगा। तब तक लेती हूँ मैं आपसे विदा, फिर मिलूंगी, वादा है मेरा, अगले पाठ के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।